इस सभा में यदि कोई पशु है तो आप है दक्ष। आप सदा मेमने के भांति मैं करते रहते हो। अरे जिन महादेव को तुम मलिन कह रहे हो उन्होंने तो एक पल नहीं लगाया हलाहल का पान करने में। अन्यथा फिर से श्री न पाते मलिन मुख के साथ रहते। और मुख तो तब होता ना जब हलाहल के प्रभाव से आज का यज्ञ तुम देखने के लिए जीवित न रहते। सावधान मूर्ख बल। शांत हो जाओ दक्ष। शांत रहने की आवश्यकता आपको है प्रजापति दक्ष। प्रजापति से इस भांति बात करना अनुचित है। सावधान प्रजापति। अहंकार में आके आप ये भी भूल गए कि नंदी कोई साधारण जीव नहीं बल्कि महादेव के वाहन है और उनके परम भक्त। इसलिए नंदी का सम्मान महादेव का सम्मान है और उनका अपमान महादेव का अपमान। बात के पीछे आप ऐसे मौन कैसे रह सकते हैं महादेव? महादेव रोकिए इस विवाद को, कुछ करिए ना। विवाद केवल तब रुक सकता है सती जब विपक्ष भी उसे रोकना चाहे। इस समय कुछ भी बोलने का तात्पर्य आग में घी डालने के समान होगा। मैं अवश्य बोलूंगा परंतु उचित समय पर। आप भी शांत रहिए। परंतु नंदी कैसे बात कर रहे हैं मेरे पिताश्री से? आप एक बार के लिए भूल जाइए कि आप प्रजापति दक्ष की पुत्री हैं। बिना पक्षपात के परखिए, आपको ज्ञात हो जाएगा कि कौन उचित है और कौन अनुचित।